नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा खुशखबरी अपडेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप उस लाभार्थी हैं तो आपको यानी सालाना 6000 रुपया का लाभ दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो अब इस राशि को बढ़ा दिया गया, यानी अब राशि को यानी कि लगभग यानी कि 9000 रुपया कर दिया गया है। तो किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा, कब से लाभ मिलेगा, क्या इसको लेकर अपडेट निकल कर रही है, तमाम जानकारी के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं और लगते हैं कमेंट करने की हमको ये नहीं समझ में आया, हमको ये नहीं समझ में आया। तो पूरी जानकारी आपको समझ लेना है कि कब से लाभ मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अपडेट निकल कर रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाए दे रहे। हम ट्विटर अकाउंट एक ओपन किए हैं जो कि डॉक्टर कुनवार विजय शाह का है, जो कि यहां से बताया कि कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रिशादी राहत एवं पुनर्वास विभाग मध्य प्रदेश शासन के, इनके द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दिया गया। जो भी जानकारी ये साफ सुथरा है दोस्तों, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 27 जनवरी 2024 के डेट में इन्होंने ट्वीट किया है। बताया किसानी हितोषी मोदी सरकार के देश के किसानों की बड़ी सौगात, यानी कि बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाला है बिहार के या अदर भी राज्य के यानी देश के किसानों को। अंतरिम बजट के तहत होगा पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 3000 के अतिरिक्त राशि का प्रावधान, यानी कि जो भी अब 1 फरवरी 2024 को बैठक होने वाला है जिसमें बजट भी पेश होने वाला है, उस बजट में यानी हो सकता है कि 3000 रुपया आपका कर दिया जाए। ये पूरा अभी कंफर्म नहीं बताया गया, लेकिन जो भी अपडेट है हम आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गलत दिखला रहे हैं, जो भी है जानकारी आप दिखला रहे हैं। इसको लेकर एक टेम्पलेट भी जारी किया गया, अब इस टेम्पलेट को ओपन करते हैं। इसमें बताया गया मोदी सरकार के किसानों की बड़ी सौगात, अंतरिम बजट में किसानों के लिए हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3000 रुपये की वृद्धि का प्रावधान। जो भी अंतरिम बजट आने वाला है 1 फरवरी को तो बैठक होगा, जो भी बजट आने वाला है उसमें हो सकता है कि आपको 3000 रुपये की वृद्धि का प्रावधान कर दिया जाए। इसके अलावा यानी कि आपको जो भी है 4 माह पर 2000 रुपया दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट पर, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनको। लेकिन अब इसको यानी कि 2000 के जगह 1000 और बढ़ाकर यानी 3000 रुपया कर दिया गया, यानी कि कितना हो गया जो कि देख सकते इसमें बता दिया गया 3000 रुपये की वृद्धि का प्रावधान हो गया है। अब इसके दूसरे नंबर बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा प्रति वर्ष 15000 रुपया। तो आप लोग सोचेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों को क्यों मिलेगा 15000 रुपया, हमें क्यों नहीं मिलेगा। इस पहले से ही आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश किसानों को मिलता है। तो इसमें बताया गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9000 और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6000, ये मध्य प्रदेश किसानों को मिलेगा 9000-15000 रुपया मिलेगा। आपको केवल यानी कि 6000 रुपया मिलता था पहले, यानी कि प्रत्येक 4 माह पर 2000 रुपया मिलता था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब केवल आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9000 करने की बात कही गई, यानी कि इस पर अभी मोहर वगैरह कुछ नहीं लगा है, लेकिन इनके द्वारा ये टेम्पलेट में जानकारी दी रही। अब कल ही पता चल जाएगा कि आपको यानी कि 3000 रुपया मिलेगा या 2000 रहेगा। फिलहाल अभी इसके लेकर यही अपडेट निकल कर रही दोस्तों। वीडियो आपको इशू लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट आप जरूर करिएगा, क्योंकि उस कमेंट से हमें भी कुछ जानने को मिलता है। आप क्या इस अपडेट के बारे में सोचते हैं आप जरूर कमेंट करिएगा। इनके द्वारा ही ट्वीट करके जानकारी दिया गया। अब काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि सुलावा किस्त कब तक आएगा, तो दोस्तों हम आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यानी सुलावा किस्त यानी कि मार्च तक आपको आ जाना है, मार्च या अप्रैल तक आ जाएगा सुलावा किस्त की राशि। अब इसको लेकर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे। फिलहाल अपने इतना ही अपडेट आया कि आपको 3000 रुपये की अब जो भी है 4 माह आपको दिए जाएंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा।